अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो ये OBS स्टूडियो की दूसरी वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ कि सोर्सेज कैसे ऐड करते हैं और सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि OBS स्टूडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के काम आते हैं और ज़्यादातर इसके लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सोर्स कैसे ऐड करते हैं। तो मैंने टू मेन सोर्सेज बताए थे जो OBS स्टूडियो के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पहला सोर्स है डिस्प्ले कैप्चर। जैसा कि अभी ये डिस्प्ले कैप्चर हो रहा है, मैं विंडो कैप्चर नहीं कर रहा, मैं डिस्प्ले कैप्चर कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो पिछली वीडियो थी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ज़रिए जो हमने OBS स्टूडियो इंस्टॉल किया था, उसके अंदर एक बात रह गई थी, अगर विंडोज़ 8, 10 या 11 नहीं है आपके पास तो फिर आप OBS स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास विंडोज 7 है तब भी आप OBS स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बारे में जो है वो आपको गूगल करना होगा, OBS स्टूडियो लिखेंगे, वहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी OBS स्टूडियो की ऑफिशियल। वहाँ से आप जो है जिस तरह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उस तरह आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, यानी exe फाइल जो होती है, सेटअप जो होता है, उसको डाउनलोड करके आप रेगुलर जिस तरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ये सोर्सेज ये खाली होंगे जब आपके नया सेटअप आपने किया होगा, तो यहाँ से आपने सोर्स ऐड करना होता है। तो यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो वन ऑफ द मेन सोर्सेज डिस्प्ले कैप्चर और दूसरा विंडो कैप्चर, ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, बाकी भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आप जो है विंडो कैप्चर, ठीक है, यहाँ से ये हाइड भी कर सकते हैं, मैंने अभी ये हाइड किया हुआ, कोई विंडो सेलेक्ट नहीं की हुई लेकिन फिर भी मैंने हाइड कर दिया ताकि इस वीडियो के अंदर ये रिकॉर्ड ना हो। और दूसरा है डिस्प्ले कैप्चर, ठीक है, तो आप डिस्प्ले कंप्लीट डिस्प्ले भी कैप्चर कर सकते हैं जैसा कि अभी हो रहा है। और इसके अंदर दो मज़ीद चीज़ें हैं, दो मज़ीद पॉइंट है जो मैं आपको बताता चलूँ। डिस्प्ले कैप्चर करते हुए और विंडोज़ कैप्चर करते हुए ये आपको जो है फ्रेम नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, ब्लू फ्रेम। तो ये जो फ्रेम है बेसिकली ये लास्ट जो मैंने विंडो कैप्चर की थी ना, ये उसका फ्रेम है। तो अगर आपने कोई विंडो सेलेक्ट की और इस तरह का फ्रेम आपके पास नज़र आ रहा है या विंडो छोटी नज़र आ रही है और ये जो रिकॉर्डिंग है ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो आपका जो एरिया है ना वो ब्लैक रह जाएगा, ठीक है, यानी ये जो साइड का एरिया राइट साइड पे जो एरिया है ये ब्लैक होगा, नीचे वाला भी ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने अगर कोई विंडो कैप्चर करनी है तो इस विंडो कैप्चर पे आपने करना है राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है रिसाइज आउटपुट सोर्स, ठीक है, क्योंकि ये वाली विंडो कैप्चर नहीं हो रही तो यहाँ पे रिसाइज आउटपुट सोर्स साइज वगैरह नहीं आ रहा, यानी इस पर ये सिलेक्टिंग कर सकते, लेकिन डिस्प्ले कैप्चर में देखते हैं यहाँ पर भी सिलेक्टिंग कर सकते क्योंकि इंटायर विंडो हो रही है, ठीक है, लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है शायद इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर रिसाइज आउटपुट सोर्स साइज, ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है बाद में, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जब आपने विंडो कैप्चर करनी है तो रिसाइज इसको कर लेना यहाँ से, और जब आपने डिस्प्ले कैप्चर करना है फिर भी रिसाइज कर लेना है, मैंने भी किया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, इसके अंदर ये जो OBS स्टूडियो है जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है बात एक और रहेगी, तो इसलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो विंडो कैप्चर करें या डिस्प्ले कैप्चर करें, जो आउटपुट आता है वीडियो का आमतौर पे MKV आता है। इसकी कोई सेटिंग अगर है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसका जो आउटपुट वीडियो बनती है वो MKV बनती है, MKV। तो इसको आपको MP4 में कन्वर्ट करना होता है ताकि आप इसको किसी को सेंड कर सकें व्हाट्सएप पे या मोबाइल वगैरह पे, क्योंकि MKV बाज़ औक़ात इस ये जो है प्रॉब्लम करती है, या तो अगले को रिसीव नहीं होगी या फिर उसको ऑन करने में मसला होगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं,
इसके लिए आपने करना क्या है, आपने फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर रीमक्स रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, रीमक्स रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरा यूज़र है और वीडियोस वाले फोल्डर में, हाँ ये जो रिकॉर्डिंग्स होती है ना सारी, ये वीडियोस जो लाइब्रेरी आपकी होती है, आपके यूज़र की लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर वीडियोस के फोल्डर के अंदर ये रिकॉर्डिंग सेव होती है, ठीक है। चलें ये हो गया, तो वहाँ से आपने जो है यहाँ पे आपने जो है डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम पहले से अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये नीचे वाले पे आप कर सकते हैं। ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करें और जो भी आपने विंडो सेलेक्ट करनी है, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें, सॉरी जो भी आपने वीडियो सेलेक्ट करनी है यहाँ से सेलेक्ट करें, और वीडियो सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर दें, यानी ओपन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये टारगेट फाइल जो है MP4 बनेगी, सही है, तो ये मसला नहीं करेगी। मोबाइल में भी सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, आसानी से कहीं भी अपलोड करके उसको रन कर सकते हैं, तो ये एम के भी मसला करते हैं, तो ये मैंने आपको इसलिए पॉइंट बता दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताता चलूँ जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ लेकिन दिखाई नहीं है। मैंने बताया था कि आपको स्क्रीन का साइज़, ठीक है, विंडो का साइज़ वो जो है रीसाइज़ करना है, तो ये देखें रीसाइज़ मैंने नहीं किया था तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रही थी, ठीक है। ये देखें, मैंने कहा था ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, ये देखें ये साइडों पे ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है, लेकिन जो वीडियो मैंने पहले बनाकर अपलोड की है, जो आपने पहले वीडियो देखी होगी, उसके अंदर ये ब्लैकनेस नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने रिसाइज कर लिया था बाद में, ठीक है। चलें, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है, कंफर्मेशन भी कर दें बेल आइकन दबा के, ताकि आपको नई वीडियोस जो है मौसूल होती रहें, नोटिफिकेशन आता रहे, कोई वीडियो मिस ना हो आपसे, और आप सीखते रहें। और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, इनक्रेजमेंट बढ़ती है इससे, ठीक है। और फिर मज़ीद जो वीडियोस हैं वो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।